शेयर्स, और ये देखिए सब्सक्राइब का लाल बटन है, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नए वीडियो की सूचना मिलती रहे। अब एक न्यूज़ मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा कि एक बहुत ही अच्छी खबर है। एक तो आपको पता ही है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज़ एक बहुत बड़ी दिग्गज कंपनी है और जो मुकेश भाई अंबानी की है, और तो रिलायंस जियो का आईपीओ की एक न्यूज़ है जो आने वाला है 2020 में। तो मैंने कहा अपने सब्सक्राइबर से ज़रूर शेयर करना चाहिए, तो मैं पढ़ देता हूँ कि क्या है एग्जैक्टली न्यूज़ में। रिलायंस इंडस्ट्रीज प्लान्स टू टेक जियो पब्लिक इन 2020, और मुंबई रिलायंस इंडस्ट्रीज एक्सप्लोरिंग एन इनिशियल पब्लिक ऑफर फॉर इट्स रिलायंस जियो इन्फोकॉम यूनिट इन द लेटर हाफ ऑफ 2020 एट द अर्लीस्ट अकॉर्डिंग टू पीपल फैमिलियर विद द मैटर। They added, however, that the first priority would be getting investors for the two infrastructure investment trusts which own the company's tower and fiber assets. And multiple meetings have taken place over the last months or so among company executives, bankers and consultants, indicating that the IPO initiative has picked up pace, said one of the persons with knowledge of the talks. कहने का ये मतलब है कि ओवरऑल कि इनका प्लान चल रहा है, इनकी मीटिंग्स चल रही हैं एग्जीक्यूटिव से और बैंकर्स से, कंसल्टेंट से, और आस्किंग नॉट टू बी नेम्ड, जिन्होंने बोला है उन्होंने कहा कि हमारा नाम ना बताया जाए। द टेलीकॉम कंपनी हैज़ इन्फॉर्म्ड बैंकर्स दैट इट एक्सपेक्ट्स टू टॉपल कॉम्पिटिशन ऑन द सब्सक्राइबर फ्रंट शॉर्टली। तो न्यूज़ तो बहुत बड़ी है। ओवरऑल मैं अगर आपको वन लाइन में बताऊँ हिंदी में, तो कहने का मतलब है अगर एनालिसिस करके हम बोलते हैं कि टेलीकॉम का जो सेक्टर है, जो कंपनियां हैं, इस समय इंडिया में बहुत बुरी हालत है उनकी। जब से जियो आया है, जब से उसने डेटा और आउटगोइंग कॉल्स फ्री देना शुरू किया है, और जिस प्रकार से जियो के सब्सक्राइबर्स बढ़े हैं बहुत ही कम समय में, तो निसंदेह इसमें कोई दो राय नहीं कि जो मुकेश अंबानी साहब हैं वो अपने बिजनेस में माहिर आदमी हैं। और जो हालत है, जैसे कि एयरटेल, भारती एयरटेल जिस प्रकार से वो कर्ज़ा ले लेके इस कंपटीशन में कूदी हुई हैं और अपने जो कस्टमर्स हैं उनको सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं, तो उन पर भयानक कर्ज़ा है। बाकी जो और कंपनियां थी, चाहे वोडाफोन हो चाहे आइडिया हो, उनके पचखड़े उड़ गए हैं जब से जियो आया है। तो इसमें अभी तो कुछ नहीं, अभी तो ये झांकी थी। मुकेश अंबानी साहब का ये प्लान है कि जो गीगा फाइबर है, उनका जो मेन दो, अभी उनका जो इन्वेस्टमेंट है, एक टावर्स में है, एक जो वायर्स केबल्स उन्होंने बिछा रखी हैं गीगा फाइबर्स के, तो 5G भी उनका लाने का भविष्य में प्लान है। तो इस वजह से जो रिलायंस इंडस्ट्री में अभी जियो है, सम्मिलित है, तो उसको उसका अलग से आईपीओ लाना चाह रहे हैं, जिससे कि पब्लिक ऑफर से उनको कुछ रेवेन्यू आ सके, जो पैसा आएगा उससे उनको मदद मिल सके, क्योंकि काफ़ी इन्वेस्टमेंट उन्होंने कर रखा है। अगर हम दो लाइन में अगर मैं कहना चाहूँ तो टावर्स में और जो फाइबर केबल बिछा रखा है उन्होंने, तो अब इस व्यवसाय के लिए उनको थोड़ा सा राहत भी मिलेगी जब ये आईपीओ के द्वारा उनको कुछ पैसे मिलेंगे। और आने वाले समय में जो ये D2H या जो एंटेना वगैरह के जो तामझाम है, ये सब ख़त्म हो जाएंगे जब इनका गीगा फाइबर लॉन्च हो जाएगा। एक कंप्लीट ये एक केबल के माध्यम से घर घर में पहुँचाना चाहते हैं, जिससे कि TV भी देख सकें, वाईफाई भी यूज़ कर सकें, मोबाइल तो यूज़ कर ही रहे हैं आप लोग। तो ओवरऑल आप समझ सकते हैं कि ज़बरदस्त बिजनेस होगा आईपीओ का। शुरू में जिस समय ये लिस्ट होगी या जो भी न्यूज़ है, अभी तो ये साल भी आधा ही हो गया, समझिए जून चल रहा है, और मिड ऑफ 20 में ये लाने की सोच रहे हैं, ऐसे अंदर से खबरें आ रही हैं, उसका एक न्यूज़ बन गया और न्यूज़ के माध्यम से मैं भी आपको शेयर कर रहा हूँ। तो इसमें हम लोग नज़र बनाए रखेंगे, जब भी इनका क्या प्राइस बैंड होता है, क्या लिस्टिंग डेट है, क्या ऑफ़र डेट है, वो सब अपडेट करते रहेंगे समय समय पर। तो उसके लिए पैसे भी जुटा के रखने पड़ेंगे। तो एक अच्छी खबर है, अगर एक दिग्गज कंपनी या दिग्गज मैनेजमेंट की कोई आईपीओ आता है तो ज़रूर हमें लेना पड़ेगा ही। और चलिए, तो मैं इतनी सी न्यूज़ शेयर करना चाहता था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।